राजधानी में बेखौफ बदमाश एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बुधवार रात असलहों से लैस 6 से 7 बदमाशों ने दवा व्यापारी दिनेश अग्रवाल के घर में धावा बोल दिया। घर के अंदर घुसे बदमाशों ने गार्ड पर हमला कर उसे बाथरूम में बंद कर दिया। इसके बाद बदमाश बेडरूम में दाखिल हुए और जेवर व नकदी समेत करीब 9 से 10 लाख का माल लूट ले गए। वारदात को अंजाम दे रहे दो बदमाश सीसी कैमरे में कैद हुए हैं। मामला अलीगंज थाना क्षेत्र के सेक्टर बी का है। यहां के निवासी दिनेश अग्रवाल बुधवार रात में परिवार के साथ बड़ी बेटी एकता के घर गए थे। इस दौरान उनका गार्ड राकेश घर पर सुरक्षा में तैनात था। गार्ड ने बताया कि घटना हुई तुम्हारे साथ, कैसे मारपीट, क्या जो से बोलना, क्या हुआ था भाई? वो सर गेट पे आए, तब तक हम वहाँ गए गेट के पास, एक लड़का खड़ा रहा है, वो हमसे कहने लगा कि गेट खोलो, हमने कहा नहीं खोलेंगे, तब तक के हमसे कहने लगा कि अंकल जी को मिलना है, बता दीजिए, हम कहा वो इतने खन नहीं मिलेंगे, सुबह आना, कहा लगा ठीक है, तब तक बातें कर, तब तक एक पीछे से फांद के आया असलहा लेके, और हम ये नहीं देख पाए किधर से वो आया बातें उसके, तब तक वो आया तो वो हमको पकड़ लिया और वो असलहा लगा दिया और गेट भी खोल दिया। कितने लोग अंदर दाखिल हुए हैं असलहा लगाने के बाद? असलहा लगने के बाद कम से कम 5 लोग तो थे। फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद हमको पकड़ के कहलाते वो वहाँ से यहाँ तक लाए, घसीटते हुए मारते, तब तक देखे कैमरा लगा हुआ सामने, तो कहे लगे साले कैमरा चालू है बता नहीं, हम कहा हमको नहीं मालूम है कैमरा लगा, हम जल्दी ही में आ जाए आए हैं ड्यूटी पे, तो कहे लगे कि इधर ले चलो साले को बाथरूम तरफ, तो एक फरुआ ले ली, कल अभी साले को काटेंगे, हम साहब डर गए और मारे भी तो बाथरूम में बंद कर दिए। असलहा कहाँ से लगाए थे तुम? हाँ असलहा कहाँ लगाए थे? असलहा यही लगाए थे। अंदर फिर घुसे कितनी देर बाद निकले अंदर? वो हमको बाथरूम में बंद किए, बंद करने के बाद में वो आए यहाँ ताला तोड़ने लगे, मुश्किल को 10 मिनट हुआ है इतने में वो लड़का आ गया बाहर से, वो घंटी बजा रहा, तो हम तो अंदर हैं बाथरूम के तो हम तो खोल नहीं सकते, तब वो घुस वाले गेट पे गया, कह लगे राकेश गेट खोलो, हम कहा साले अंदर ना जाना ना, वहाँ बदमाश है, मालिक को फ़ोन करो, पुलिस को फ़ोन करो, तब चिल्ला रहे, तब जाके वो भागे हैं, मुश्किल का यहाँ 10 मिनट हुआ है इसके अंदर, 10 मिनट के अंदर वो जो कुछ ले जा पाए हैं बस। तुम उनके उनके चंगुल से कैसे छूटे? हाँ तुम उनके चंगुल से कैसे छूटे हो? तब वो लड़का मालिक को फोन किया, मालिक आया, तब वो गेट बाहर से कुंडा खोला, तब हम अंदर। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं था जब तुम्हें पकड़ के उन लोग ने अंदर? ना मोबाइल तो हमारा छीन के फेंक दिया घास में, हम ढूंढे अभी मिला है। एको को पहचान पाए। करीब 9:45 बजे एक युवक ने दरवाजे पर दस्तक दी और घंटी बजाई। दरवाजा खुलने पर युवक ने कहा कि दिनेश जी से मिलना है। गार्ड ने मालिक के घर नहीं होने की बात कहकर दरवाजा बंद करने लगा। तभी दो नकाबपोश बदमाश बाउंड्री वॉल फांद कर अंदर दाखिल हुए। गार्ड ने बताया कि वो घर के अंदर भागा तो बदमाशों ने धक्का देकर दरवाजा खोल लिया। 3 से 4 बदमाश घर के बाहर मौजूद थे। गार्ड का आरोप है कि 2 बदमाश घर में दाखिल हुए, इसके बाद उन्होंने उसकी पिटाई की और फिर उसे बाथरूम में बंद कर दिया। बदमाश दिनेश के बेडरूम में घुसे, वहां अलमारियों के लॉक तोड़े और उसमें रखे जेवर नकदी लूटकर भाग निकले। गार्ड ने बदमाशों के जाने के बाद शोर मचाया तो आस पड़ोस के लोग आ गए और उन्होंने दरवाजा खोला। घटना की जानकारी दवा व्यापारी दिनेश को दी गई। कुछ ही देर में दिनेश और पुलिस मौके पर पहुंचे। छानबीन के बाद दिनेश ने बताया कि बदमाश करीब 6 लाख कैश समेत जेवर उड़ा ले गए, कुल 9 से 10 लाख का माल पार कर दिया है। मेरा नाम है, हम शाम को अपनी बेटी के यहाँ चले गए थे 8 बजे करीब, मैं परिवार के 8:30 बजे जो है हमारे पास एक हमारा पुराना नौकर पहुँचा कि साहब मुझे अंदर नहीं घुसने दे रहा, घंटी भी बजा रहा हूँ कोई, और चौकीदार चीख रहा है। तो जो लोग आए थे 5-7 लोग, उसमें से 2 लोग अंदर घुसने की कोशिश की, तोड़ के दरवाजे, सब ये दरवाजे टूटा हुआ आपने देखा ही, और बाकी लोगों ने चौकीदार को बाथरूम में टॉयलेट में बंद कर दिया बाहर से, और तब वो कैश वगैरह ले गए। लगभग 9 लाख रुपए, 9 लाख। ज्वेलरी के बारे में भी बात सामने है कि बड़ी ज्वेलरी मिली है? ज्वेलरी नहीं ले गए हैं, शायद थोड़ी सी ले गए हैं जो घर की होती है पहनने की, चूड़ी वगैरह। किसी के साथ मारपीट की यहाँ पर नहीं, कोई चौकीदार के साथ मारपीट की है? पुलिस चौकीदार को ही संदिग्ध बता रही है, आपको क्या लगता है? हम कुछ नहीं कर सकते। क्या आपको सीसीटीवी जो दिखा उसमें आप बताया जा रहा है कि नौकर कोई पुराना था? हाँ पुराने नौकर थे वो हमारे। आप पहचान रहे थे उसमें?
मास्क पहने हुए थे, पहचान नहीं पाए, लेकिन हाँ बच्चों ने पहचाना। पहले कितने की चोरी हुई थी, कितनी रिकवरी हुई थी? पहले तो जो ले गए थे उसका जो रिकवरी हुई थी उनके बैग में यही पकड़ लिया था हम लोगों ने थोड़ा सा। पहले आपने एक मुकदमा दर्ज कराया था? हाँ, वो हमने विड्रॉ कर लिया था क्योंकि वो हाईकोर्ट से स्टे वगैरह ले आए थे। खास बात यह है कि दिनेश के घर से अलीगंज थाने की दूरी 300 से 400 मीटर दूर है। बावजूद इसके पुलिस को घटना की भनक नहीं लगी। इंस्पेक्टर पन्ने लाल यादव ने बताया कि घर के अंदर लगे सीसी कैमरे में दो बदमाश कैद हो गए। दवा व्यवसायी दिनेश ने उनकी पहचान अपने पूर्व नौकर के रूप में की। दोनों की तलाश में दबिश दी जा रही है। इंस्पेक्टर अलीगंज ने बताया कि दिनेश अग्रवाल का एक नौकर कुछ माह पहले रुपए लेकर भागा था, जिसके खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोपित के पास से रुपए बरामद कर उसे गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि उसी नौकर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। घटना से पहले बदमाशों ने रेकी की थी। पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर का दावा है कि तीन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। यह डकैती नहीं, लूट की घटना है। इसमें दो पूर्व नौकर शामिल हैं, जिनकी पीड़ित ने पहचान की है। बदमाशों की तलाश की जा रही है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर, और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।